हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन दाकर, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये 10th क्लास का आपका सेकंड चैप्टर जो होता है ये है पॉलिनोमियल्स। तो आपने 9th क्लास में प्रीवियसली पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सिंपल मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक इक्वेशन जिसमें आपका एक्स की जो पावर, जो वेरिएबल की जो पावर होती है, किसकी पावर, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर हो, होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेडेडेस ये होती है, तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर उसकी पावर आपका होल नंबर ना हो, कोई सा भी नंबर हो, जैसे फ्रैक्शन में हो, डेसिमल, तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे सपोज करो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे आप देखेंगे x की पावर कितनी, रूट, रूट मतलब 1/2 है, तो इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल सिंपल से वो होते हैं जो आपके, जिनकी पावर क्या होती है, आपका होल नंबर होती है। तो आप अभी 10th क्लास में जो पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में ले लेता हूं आपकी बुक से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 2 है, तो इसलिए आपका क्वाड्रेटिक होगा, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, इसमें बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोज फाइंड करने हैं और साथ में इनके बीच में आपको रिलेशन भी बताना है कि इनका ये रिलेशन जो है कोएफिशिएंट का, इनके कोएफिशिएंट का और जीरोज के बीच का रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जीरोज निकालने का सिंपल तरीका, हम जो मेथड हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है एक्स का कोएफिशिएंट और जो लास्ट वाले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 1 × 8, तो मल्टीप्लाई करने में हमें 8 चाहिए। तो हमें अब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने में 8 हो, मल्टीप्लाई करने में कितना हो, 8 हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 2 आए। तो आप ये मत सोचो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 2 कब आएगा, आप ये सोचो कि मल्टीप्लाई करने में 8 कब आता है। तो ऐसे 2-3 नंबर ही हो सकते हैं, जैसे 4 × 2 8 होता है और 8 × 1, ये 2 नंबर हैं अभी हाल फिलहाल में, मुझे चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 2। तो देखिएगा, ऐड 8 और प्लस 8 प्लस 1 9 होगा और माइनस करूंगा तो 7 होगा, तो ये नंबर नहीं है, तो मेरा नंबर कौन होगा, 4 और 2। तो इनको आप लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। पहले हमेशा आपको बड़ा नंबर लिखना है, बड़ी डिजिट लिखनी है, तो जाएगा 4x, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे 2x लिखेंगे माइनस 8। ध्यान से देखो, ये माइनस है तो ऑब्वियस मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं माइनस का साइन लगाऊँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो जाएगा, और मेरे को लाना 2 है, तो माइनस और प्लस माइनस, तो 4 में से 2 जाए कितना बचेगा, 2। तो अब इनमें से पहले दो और लास्ट दो में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है नंबर। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो x तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 आ रहा था, यहाँ भी बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे दोनों आपके इक्वल होना चाहिए, क्या इक्वल हैं दोनों, तो ये दोनों को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। तो आपके दो जीरोज आपको मिल गए। जीरोज का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये जो x की जो वैल्यू है वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका जो आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतनी उसके जीरोज होते हैं। यहाँ पे पावर कितनी हाईएस्ट है, 2 है, तो इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। तो चलिए, ये तो आपने हमने जीरोज निकाल लिया, अब हमें करना है इनका वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है रूट्स को और जीरोस को। तो हम कैसे करते हैं, तो इनके फॉर्मूले होते हैं, एक रिलेशन होता है इनके बीच में जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो रिलेशन क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
दोनों सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस ये है कि अगर आप दोनों का जो सम करेंगे जीरोज का वो उसके इक्वल होगा। देखते हैं अभी यार, तो ये 4 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट लगा दी क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 4 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो 2 इक्वल्स टू 2, तो हो गया वेरीफाई दोनों इक्वल आ गए, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हमें चाहिए रहता है एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो मैं इस तरफ बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी हाँ, ये होता है इन दोनों में, अगर हम कभी भी बात करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, आप दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो 4 इंटू माइनस टू कांस्टेंट टर्म है माइनस 8 और अपॉन में 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8, तो ध्यान से देखेंगे भी, तो यही रिलेशन होता है आपका। तो जनरली आपका जीरोस जो होते हैं उनका जो दो रिलेशन होते हैं जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच में, तो एक होता है आपका सम, दूसरा होता है प्रोडक्ट। सम का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट का होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी आपको ये समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि टी स्क्वायर माइनस 15, ये इक्वेशन दिए क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है, इसके जीरोज निकालने हैं और हमें रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो बस टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसको आपको फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन इसमें से फॉर्मूले से हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं ऐसे क्या टी स्क्वायर माइनस, इसको मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? देखिए, वो पता है कि 15 का परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसलिए मैंने रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर दी। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि अब मेरे को बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। मुझे ये फॉर्मूला बनाना होता है। सपोज करो कि अगर ये लिखा होता टी स्क्वायर माइनस 16 लिखा होता, तो मैं टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख देता, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 15 है, इसका तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसलिए जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है आप उस पर रूट लगा कर स्क्वायर लगा दो। चलिए, तो इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ए स्क्वायर, मतलब ये आपका ए, तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, तो वही टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो और टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का रूट 15 और टी इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का रूट 15, तो दो जीरोज आ गए आपके पास, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, वही आपका दोनों के साथ रिलेशन स्टेबलाइज करना है जीरोज का और इसका, तो कर देते हैं रिलेशन स्टेबलाइज। तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, वही माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब आपको जाएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। देखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे वेरिएबल क्वेश्चन में टी में दिया है, किस में दिया है, टी में, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको चेंज करके यहाँ पर टी और टी स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखेंगे टी स्क्वायर है हमारे पास और कॉन्स्टेंट टर्म है, टी वाली टर्म है ही नहीं है, तो जो टर्म नहीं होती उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है उसकी वैल्यू जीरो, और टी स्क्वायर की टर्म का होगा कोएफिशिएंट 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, वही कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट मींस रूट 15 इंटू रूट 15, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 15 और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो रूट 15 इंटू रूट 15 15 हो जाए, तो माइनस 15 माइनस 15, तो ये भी आपका रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी टर्म मिसिंग होती है आप उस टर्म को जीरो मान लेंगे, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस जीरो टी माइनस 15 इक्वल्स प्लस, फिर इस तरीके से,
तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो ही है उसका कॉन्स्टेंट, उसका कोएफिशिएंट। तो इसी के साथ आपका जो एक जीरोज का जीरोज निकालने की मेथड और रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट हमने दोनों को वेरीफाई कर लिया और निकालना भी सीख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड का उसमें बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, इसके थ्रू आप पॉलीनोमियल निकालिए, मतलब इक्वेशन आपको निकालना है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, उसके थ्रू आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस ये फॉर्मूला इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। उसमें बोला है कि ये प्रोडक्ट, ये पहला दिया वो सम ऑफ जीरोज है, सेकंड दिया वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, डायरेक्ट ये सम दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 1/4 एक्स और माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वरना आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपॉन में कितना लिखा है 4, तो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज दी पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूले के थ्रू काम करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें दिया है √2/3 दिया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 3 लिखा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपॉन में लिखा रहता है उससे आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखे रहते हैं तो उनका पहले एलसीएम ले लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो गाइज इसी के साथ आपका ये 2.2 एक्सरसाइज थी वो फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे 2.3 पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं अभी पूरा 10th क्लास के जितने ही मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंस जितना भी एज मच एज पॉसिबल हो पाएगा आपको मैं फुल वीडियोज़ हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।